तो हम वेब डेवलपमेंट की शुरुआत करने वाले हैं एच के साथ और और स्पेसिफ़िकली बात करूं तो एच टी फाइव के साथ अब HTML क्या है अगर हमें कोडिंग की शुरुआत करनी है हमें कोडिंग कोडिंग सीखनी सीखनी है 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 प्रोग्रामिंग तो की दुनिया में वन ऑफ द चीज़ जिसके साथ हम कोडिंग सीखना शुरू कर सकते हैं इनफैक्ट कुछ स्कूलों में तो एच टी एम एल सेवेंथ एस के अंदर सिखाई जाती है तो इतना ईजी लेवल से हम स्टार्ट करेंगे अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी को बात करते हैं एस टी एम एल की एस टी एम एल की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो मार्कअप लैंग्वेज की तरह काउंट होती है मार्कअप लैंग्वेज यानी एच बताता है कि एक वेबसाइट के ऊपर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है और उनकी क्या फॉर्मेटिंग है मतलब अगर मैं किसी वेबसाइट को देख रही हूं तो उसके अंदर पैराग्राफ आएगा या फिर एक बटन आएगा या फिर एक हेडिंग आएगी या फिर एक टाइटल आएगा या वहां पर मुझे एक इमेज यानी पिक्चर दिखाई देनी चाहिए ये सारी की सारी चीजें एच हमारे लिए हमें बनाकर देता है एक ब्राउजर को समझाता है कि एक वेबसाइट पर चीजें दिखनी कैसी चाहिए उनकी फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए एक चीज हमें ध्यान रखनी है, यहां स्टाइल की बात नहीं कर रहे कलर की बात नहीं कर रहे फॉन्ट की बात नहीं कर रहे यहां हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली एक वेब पेज के ऊपर हमें क्या दिखेगा एंड किस फॉर्मेटिंग के अंदर दिखेगा अब यूजुअली एच को कोडिंग के अंदर एक हार्ड कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं ट्रीट किया जाता क्योंकि एच के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती एच काफ़ी सिंपल है एंड इनफैक्ट अगर आप एक बच्चे को भी सिखाएंगे तो उसे भी बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग जो है वो समझ आने लग जाएगी अगर वो एच के साथ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि एच टी एम एल एग्जैक्टली क्या करता है अगर मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट की बात करूं मतलब मैंने एक सिंपल सा कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है तो वो कुछ ऐसा दिख सकता है इस तरीके से मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट में काफ़ी सारी चीजें लिखी हुई हैं अब अगर इसी टेक्स्ट के ऊपर मुझे फॉर्मेटिंग लगानी है फॉर्मेटिंग लगाने का मतलब कि कुछ चीज़ों में मैं बुलेट पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कुछ चीज़ों को कुछ वर्ड्स को मैं बोल्ड में लिखना चाहूंगी कुछ वर्ड्स को मैं इटैलिक में लिखना चाहूँगी कुछ वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करके दिखाना चाहूंगी ये जो लाइन है इसके बाद मैं अगले जो

उसमें भी टू जो है वो छोटा है जबकि अगर आप उसको नॉर्मल टेक्स्ट में लिखेंगे तो एच टू उतना ही बड़ा होगा तो इस तरीके से कौन सी चीज किस तरीके से प्रेजेंट होनी है वो हमें एच टी एम एल बना कर देता है तो एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को हम फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपने एच टी एम एल को यूज करते हैं तो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि एच टी एम एल हमारे ब्राउजर को यानी क्रोम हो गया सफारी हो गया एज हो गया इन सबको रूल्स बताता है कि अपना जो प्लेन टेक्स्ट है उसको प्रेजेंट कैसे करना है अब एक बार बात करते हैं एक नॉर्मल गूगल सर्च वाले पे

अब यहाँ पर ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं स्क्रोल करने वाली हूँ अपने पेज के ऊपर तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि काफ़ी सारे बॉक्सेज बन रहे हैं गूगल है ये एक सिंगल बॉक्स के अंदर आ गया सर्च जो है ये भी एक सिंगल बॉक्स के अंदर आ गया अगर मैं इस छोटे सर्च की बात करूँ ये भी एक बॉक्स के अंदर आ गया इन आइकन्स की बात करूँ तो ये भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं उसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम एच टी एम एल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे बट ये एक्चुअली छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर एक पूरा का पूरा हमारा वेब पेज बनता है एंड यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर सारा का सारा मेरे इस पूरे पेज का एच टी एम एल का कोड है जो बताता है कि एच टी एम एल की वजह से ये पेज मुझे किस तरीके से किस फॉर्मेटिंग में दिखाई देने वाला है